हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रॉबल की जो किंडरगार्टन है उनके बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने जो फ्रॉबल की फिलॉसफी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, ठीक है। आपको मिल जाएगा फ्रॉबल का एजुकेशनल फिलॉसफी, साथ ही अदर भी इंडियन थिंकर्स जो थे और वेस्टर्न थिंकर्स सभी की एजुकेशनल फिलॉसफी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आज हम जान रहे हैं फ्रॉबल का जो किंडरगार्टन है ये क्या था, ठीक है। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी एज वेल एज़ PDF भी मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको केवल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या था फ्रॉबल का किंडरगार्टन। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं जो फ्रॉबल है उन्होंने क्या किया था। ब्लैंकबर्ग जर्मनी में उन्होंने अपने जो है छोटी सी स्कूल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो स्कूल है स्मॉल इन्फेंट्स के, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं 2-3 साल के, ठीक है, उनके लिए ही उन्होंने ये शुरू किया था। और उस स्कूल को उन्होंने क्या नाम दिया था, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का बगीचा। जो फ्रॉबल है वो क्या मानते थे कि जो स्कूल है ये एक गार्डन है यानी बगीचा है, और जो टीचर है वो एक गार्डनर है। जैसे गार्डनर होता है वो क्या करता है कि जो पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं उसकी पूरा केयर टेकिंग करता है, उसको पूरा अच्छी तरीके से उसकी केयर करता है और क्या करता है उसका मतलब उसका देखभाल करता है। तो उसी तरीके से टीचर भी क्या है, जो एक गार्डनर है। और पौधा यहाँ पे किसको कहा गया है, चाइल्ड को। तो जो माली है यानी जो टीचर है, जो गार्डनर है, वो क्या करेगा बच्चे को अच्छी तरीके से केयरफुली जो है बच्चे को क्या करेगा, अंडर हिज केयर मतलब अपने केयर में रखेगा और उसको परफेक्शन यानी बच्चों को अच्छी तरीके से ऑलराउंड बच्चे का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे है देयर इज एन एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, जो किंडरगार्टन का एटमॉस्फेयर बेसिकली होता है सेल्फ एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग बच्चों को दी जाती है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं अच्छे तरीके से, जो एंजॉय करके जो है कोई चीज़ सीखते हैं। बच्चों को फ्रीडम दी जाती है यहाँ पे एक्टिविटीज़ में, और कोई फिक्स्ड टाइम टेबल्स नहीं होता है, कोई फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते ही कोई चीज़ और सेल्फ एक्टिविटी करते ही कोई चीज़ सीखते हैं। आगे अगर हम बातें करें इसके, अगर हम बातें कर लें इसके प्रिंसिपल्स की, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या था किंडरगार्टन का। सबसे फर्स्ट तो है सेल्फ एक्टिविटी, यानी ये बच्चे क्या करेंगे अपना एक्टिविटी जो है खुद करते हैं, तो उससे क्या होता है उनका जो अवेयरनेस है वो जागरूक होते हैं, बच्चे सेल्फ अवेयर होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे क्या करते हैं कोई चीज़ सीखते हैं, करते करते सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को क्या है फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चे क्या है कि कोई चीज़ जो है प्रैक्टिकली करके कोई चीज़ें सीख रहे हैं। फ्रीडम इन एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और सोशल पार्टिसिपेशन, बच्चों का क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सोशल बनाने के लिए जो है बच्चे को सोशल बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या किया जाता है हर चीज़ में पार्टिसिपेशन जो है बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आगे है हमारा, आगे है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले है कि बच्चे को टीचिंग थ्रू सॉन्ग्स यानी गाने के ज़रिए, बच्चे को पोएम्स के ज़रिए, ठीक है, कोई चीज़ सिखाना। टीचिंग थ्रू गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, बच्चे को गिफ्ट्स के ज़रिए जो है कोई चीज़ सिखाया जाता है। अब गिफ्ट्स क्या है, यहाँ पे 7 टाइप के गिफ्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट गिफ्ट क्या है कि यहाँ पर बेसिकली 6 बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे, ठीक है, और उससे क्या करेंगे बच्चे खेलेंगे। तो बच्चे को इस तरीके से क्या है कलर्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बच्चे को दे दिया जाता है, ठीक है, और 6 बॉल्स। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कोई चीज़ रेड ग्रीन येलो इस तरीके से बच्चे उसको देखते हैं, उसका टेक्सचर जानते हैं, कलर्स जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं कोई चीज़ सीखते हैं।
सेकेंड गिफ्ट ये क्या है, इट इज़ कम्पोज ऑफ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ सिलेंडर इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में क्यूब और सिलेंडर, यानी बेसिकली शेप जो है सिखाया जाता है. थर्ड गिफ्ट क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बिग वुडन क्यूब डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल क्यूब, यानी एक बिग जो है एक क्यूब होगा बड़ा सा, उसके अंदर 8 इक्वल डिवाइडेड क्यूब, यानी कि बेसिकली बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि होल एंड पार्ट, पार्ट एंड होल. ठीक है, आगे हम देखें फोर्थ. फोर्थ गिफ्ट क्या है, लार्ज क्यूब डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल क्यूब्स. ठीक है, फिफ्थ गिफ्ट होगा है लार्ज क्यूब डिवाइडेड इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स. ये जो गिफ्ट हैं जी, आप देख सकते हैं कितने गिफ्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है. सेवन्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ही बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ठीक है, आगे देख लेते हैं ईम ऑफ एजुकेशन. तो ईम ऑफ एजुकेशन क्या होगा किंडरगार्टन का, फाइबर का जो किंडरगार्टन है उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होना, ऑलराउंड जो है डेवलपमेंट होना बच्चे की पर्सनालिटी का, और डिवाइन सेंस का रियलाइजेशन होना, स्पिरिचुअल यूनियन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, और इमोशनल मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट. ठीक है, आगे अगर हम देखें तो करिकुलम, करिकुलम में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए गए, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, तो ये सभी जो जो वैसे जो फिक्स जो कोई करिकुलम नहीं होगा बच्चों का, जो छोटे मोटे जो प्रैक्टिकल्स जो है उसके हिसाब से, ये फिज़िकल साइंस ये सब जो है फ्राइबल का बड़ों के लिए है, ये थोड़ा सा इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. बट करिकुलम अगर हम बातें की जाए, नो फिक्स्ड करिकुलम, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है. बच्चे क्या करेंगे, खेलते हुए कोई चीज़ सीखेंगे, और बच्चों को जैसे कि कलर सिखाना, बच्चे को साइज़ के बारे में बताना, बस यही जो छोटा सा बेसिक नॉलेज बच्चे को दिया जाता है. आगे अगर बातें करें टीचर, तो टीचर कैसे होने चाहिए. ठीक है, तो टीचर कैसे होने चाहिए, तो अगर हम देखें फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग, तो जैसे हमने टीचर, उनका मानना क्या है कि टीचर क्या है, गार्डनर है. टीचर एक गार्डनर है, बच्चे को गाइड केवल जो है टीचर को करना चाहिए, और टीचर एज ए फ्रेंड और एक गाइड. ठीक है, और टीचर को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है. ठीक है, आगे है हमारा लास्ट पॉइंट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बच्चों को फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए, और डिसिप्लिन थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना चाहिए. रिजिड कंट्रोल व्हेन लव फेल, यानी कि जब लव फेल हो जाता है, जब बच्चों को लगता है कि बच्चे ज़्यादा ही, अगर बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है और बच्चे उस चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है अब, ठीक है ना, फॉर एजुकेशन, तब क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एजुकेशन या टीचर को रिजिड होना चाहिए. ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने पढ़ा फ्रॉबेल का किंडरगार्टन. ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इसको भी कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.